साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर आप लोगों के सामने ऐसी जानकारी प्रसारित करता हूं, और 13 यानी कि 1+3 हो जाता है 4, यानी कि कलयुग के जो सबसे बड़े देव हैं, जो अचानक से ही परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। एक कहा जाए तो जो रोड में रहने वाला उसको करोड़पति बनाने की ताकत जो रखते हैं वो है सिर्फ राहु। अगर राहु को आपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। और देखिए आज का दिन क्या हो जाता है, शनिवार के दिन में 4 का अंक पड़ना मतलब कि बहुत ही चमत्कारिक दिन हो जाता है। आज मैं आपको राहु के बहुत ही खास आपको मिरेकुलस ऐसी रेमेडीज दे रहा हूं जो कि पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देगी। आपको यदि राहु के ये उपाय आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से धन, रुपया, पैसा सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं 2 से 3 रेमेडीज आपको बता रहा हूं, इनको यदि आप फॉलो कर लेंगे आज के दिन से स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 4 चुटकी लेनी है अजवाइन। अजवाइन जो होती है राहु से जबरदस्त कनेक्टेड होती है। आज आपने क्या करना है, आपके घर की जो नैऋत्य दिशा है यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है, यहां पर आपको लकड़ी वाला कोयला आपको लाना है, और या फिर गाय के गोबर का किंडल ले आएंगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपके घर की नैऋत्य दिशा दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, यहां पर भी गाय के गोबर का किंडा जलाएं और यहां पर इसका धुआं करें, क्योंकि राहु और केतु ये दो ग्रह क्या है, छाया ग्रह है, इनका वास है धुएं में। तो आपको गाय के गोबर का किंडा जला करके यहां पर आपको करना है गाय के किंडे का धुआं। 4 चुटकी लेनी है आपको अजवाइन, 4 चुटकी लेना है आपको जीरा, इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। अब सूर्य अस्त के बाद में, ठीक है, जब पूर्ण रूप से सूर्य अस्त हो जाए तो 4 चुटकी अजवाइन और जीरे को मिक्स करके आपको 1 चुटकी उठाना है और ये जलती हुई आग में आपको डालना है और मंत्र पढ़ना है ओम रांग राहवे नमः 4 बार, और ओम श्री छाया स्वरूपणे नमो नमः, इस मंत्र का आपको 4 बार जाप करना है। फिर दूसरी चुटकी उठाई, 4 बार आपने मंत्र पढ़ा दोनों मंत्रों को, ऐसे करके 4 चुटकी अजवाइन और जीरा, यहां पर इसका आपको हवन करना है। जब इसमें धुआं निकलने लगे तो इस धुएं को देखते हुए 44 बार आपको पढ़ना है ओम राग राहवे नमः और ओम श्री छाया स्वरूपणे नमो नमः, दोनों मंत्र को 44 टाइम्स आपको जाप करना है। आज के दिन से शुरू करिए, ठीक है, फिर हर शनिवार और हर बुधवार के दिन में आपको यही धुआं यहां पर अपने घर की नैऋत्य दिशा में आपको करना है। 4 चंदन की आज अगरबत्ती यहां पर लगानी है, हर बुधवार, रविवार, शनिवार के दिन में आप 4 चंदन की अगरबत्ती इस दिशा में लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। एक मोर पंख का झाड़ा ला करके, जो गोल वाला झाड़ा होता है, उसको अपने घर की नैऋत्य दिशा में उल्टा टांग दीजिए, जो मोर पंख होगा वो नीचे, हैंडल ऊपर। ये आज के दिन प्रयोग करने से आपके घर में यदि राहु की किसी भी प्रकार की दशा चल रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा आपने ये करना है, माचिस की जो तीलियां होती है, माचिस की तीली में जो बारूद लगा होता है ये आपके राहु है, तो आपको माचिस की तीली का एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की समस्याओं को, जैसे कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में कंडीशन ये आती है कि उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का कुछ सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, अजवाइन और जीरे का प्रयोग। अब दूसरा आपने क्या करना है, एक माचिस की डिब्बी आपको लेनी है।
माचिस की डिब्बी में गिन करके 44 माचिस की तीलियां आप डाल दीजिए। माचिस की तीली में जो बारूद है ये आपके राहु है और ये जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। गिन करके 44 माचिस की तीलियां, ठीक है। साथ में आपको ले लेना है एक सफेद चंदन की लकड़ी या आपको इजली पंसारी के यहां मिल जाएगी। इसके आपको कर लेने हैं 7 टुकड़े 7 पीस कर लेंगे। उसके बाद में जब शनिवार के दिन, आज के दिन में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अपने घर की पश्चिम दिशा में एक बाजोट पटरा लगा लें, तेल के तेल का, काले तेल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दिया जला लें। साथ में अपने चंदन का ऑयल मिल जाता है, बहुत ही बेस्ट है। एक नीला कपड़ा, एक नीला धागा। अब प्रयोग कर रहे हैं तो कोई भी स्टोन पहना हुआ है उतार कर ही प्रयोग करें, ठीक है। नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे, शुद्ध कपड़े पहन करके प्रयोग करना है। सूर्यास्त के बाद में घर की पश्चिम दिशा में बैठ जाएं। उसके बाद में क्या करना है, आपने गिन करके जो 44 माचिस की तिल्लियां डाली, माचिस की डिब्बी बंद कर दें। अब 7 आपको जो चंदन की लकड़ी लाए हैं 7 पीस उसके करके माचिस की डिब्बी के ऊपर रख दें। नीले धागे से या काले धागे से 7 बार उसको लपेट दें और 7 गांठ लगा दें। इसमें चंदन का ऑयल लगा दें। सीधे हाथ में इस डिब्बी को आपको रखना है, उसके साथ में आपको मंत्र पढ़ना है 44 बार ओम रांग राहवे नमः, और उसके बाद में 88 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, 77 टाइम्स 87 बार आपको पढ़ना है ओम केम केतवे नमः। अब इसको नीले कपड़े में, काले कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में डाल लीजिए या फिर अपने जेब में, पॉकेट में रखिए या पूजा स्थान में रख करके डेली इसकी पूजा करिए। पर्स में रखेंगे या तकिए के नीचे रख लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपके बॉडी से जितना ज्यादा टच रहेगा उतना आपको मिराकलस रिजल्ट इसका मिलेगा। अब इसके साथ में अपने क्या करना है, आपका ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो यहां पर जो ये मणिबद्ध चक्र हो जाता है तो यहां पर ये 4 लेयर बनती है आपके पाम के जस्ट नीचे। यहां पर आपको लिखना है 4 बार 4 4 4 4। आज से लिखना शुरू करेंगे ब्लू इंक से या ब्लैक से, यहां पर डेली आपको लिखना है। आज से लिखना शुरू कर दीजिए और कंटिन्यूसली इसको आप लिखिए। उसके बाद में देखिए कि राहु आपको कितना अच्छा जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। अब लास्ट आपका ये रह जाता है कि नंबर्स का आपको ये प्रयोग करना है। राहु का जो नंबर है 4 बार आपको लिखना है, वो कैसे लिखना है ये एक रेमेडी बता रहा हूं। एक आपको ले लेना है भोजपत्र, यदि भोजपत्र मिलेगा तो बहुत ही बेस्ट है। जिनको भोजपत्र नहीं मिल पा रहा है, बिना लाइनिंग वाला चौकोर साइज में कागज आपको ले लेना है, थोड़ा सा चंदन का ऑयल आपको ले लेना है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 4 कॉर्नर रहेंगे जो कागज के या भोजपत्र के, तो 4 कॉर्नर में आपको लिख देना है 4 4 4 4, ठीक है। ब्लू या ब्लैक इंक का मार्कर का यूज करेंगे, इनको कर देना है सर्कल। अब बीच में, जस्ट बीच में आपको लिख देना है 4 बार 4 4 4 4, और 4 बार मंत्र लिख देना है ओम श्री छाया स्वरूपणे नमो नमः, ओम श्री छाया स्वरूपणे नमो नमः, क्योंकि ये ग्रह क्या है, छाया स्वरूप है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा क्या करना है, हल्का हल्का में चंदन का ऑयल आपको रब कर देना है। इसको फोल्ड करना है, 4 बार फोल्ड करेंगे अपने तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। जब फोल्ड करेंगे तो अपने तरफ 4 बार फोल्ड करके सीधे हाथ में इसको रखना है। उसके बाद में 444 टाइम्स कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 44 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। अब इसको नीले कपड़े में या काले कपड़े में लपेट करके पोटली बना करके और अपने सिल करके और अपने पर्स में डाल दीजिए। डेली बस क्या करना है, इसको निकालना है, सीधे हाथ में रखना है, ओम श्री छाया स्वरूपणे नमो नमः 44 बार इस मंत्र का आपको जाप करके इसको डेली अभिमंत्रित करते रहना है। राहु जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे, और ये समझ लीजिए कि राहु अगर आप पे प्रसन्न हो गए तो आपको अचानक से ही पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे, क्योंकि राहु का काम क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड देना होता है। अनएक्सपेक्टेड आपने सोचा नहीं होगा कि कौन सा बड़ा काम आपका बन जाएगा जिसके जरिए आपका ये काम पूरा हो जाए। एक प्रयोग और कर सकते हैं आप, आज के दिन से स्टार्ट करें, जैसे कि आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर बुधवार के दिन में और हर रविवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। 4 चुटकी अजवाइन आपको लेनी है, सीधे हाथ में 4 चुटकी अपने अजवाइन रखी, उसके बाद में ओम रांग राहवे नमः 44 बार मंत्र पढ़ा, नीले कागज में, काले कागज में या नीले कपड़े में, काले कपड़े में इसको फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे डाल दीजिए। शनिवार से प्रयोग शुरू कर रहे हैं, बुधवार आता है, बुधवार उसको निकाल करके अजवाइन को कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, घर में गमले वगैरह में डाल दीजिए और फिर से नई 4 चुटकी अजवाइन इसको रख लीजिए। फिर रविवार आता है, रविवार को फिर चेंज कर दीजिए, मतलब आप चाहें तो सिर्फ बुधवार बुधवार या शनिवार शनिवार या रविवार रविवार अजवाइन का प्रयोग करते रहते हैं, या हर बुधवार के दिन में 4 चुटकी अजवाइन का सेवन करते हैं बुधवार शनिवार रविवार, तो इससे भी राहु आपके काफी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। सिर्फ 4 चुटकी अजवाइन का आपको सेवन करना है, ठीक है। ये 3 से 4 मैंने रेमेडीज बताई हैं, इनको यदि अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो राहु जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए राहु जो है किसके, शनि के सेनापति हैं। यहाँ पर राहु को यदि बैलेंस कर लेंगे तो शनि ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। शनि जो होते हैं कर्म के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं, लेकिन कितने टाइम तक इसका रिजल्ट देना है ये डिसाइड करते हैं आपके राहु, और राहु का काम कितने टाइम करता है, 18 साल तक की होती है, 18 साल तक परेशान करते हैं। तो राहु को बैलेंस करने के लिए जो भी रेमेडीज बताई हैं इनको जरूर फॉलो करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है नाथ गुरु नाथपंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा होती है। 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आते हैं। शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस करना है तो इसके लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए बर्थ चार्ट में हमारे द्वारा 41 से 3 महीने की विशेष पूजा होती है। साथ में जो लोग कर्जवान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति के योग नहीं बन रहे हैं, 3 महीने का शाबर मंत्र का अनुष्ठान है, गारंटी से बड़ा कर्ज आपका 3 महीने में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर चाहते हैं, खुद के घर के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो 3 महीने का शावर अनुष्ठान है जिसमें कि आपको 3 महीने में गारंटी से खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट से 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है क्योंकि शावर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। आजकल सभी लोग शावर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे शावर मंत्र वर्क नहीं करते हैं, है ना। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है, ठीक है। आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।